काली और गोरी बहू का 15 अगस्त। OMG, सुबह सुबह किसकी शक्ल देखने को मिल गई, अब तो सारा दिन खराब जाएगा। क्या हुआ भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या हुआ? क्या सुबह सुबह तेरी ये मनहूस काली शक्ल देखने को मिल गई, अब तो मेरा सारा दिन खराब ही जाएगा। कितनी बार कहा है तुझसे कि सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर अपनी ये काली शक्ल लेकर। रीना बहू, ये क्या तमीज है गायत्री से बात करने की? जैसे तू इस घर की बहू है, वैसे ही गायत्री भी इस घर की बहू है। तेरे से कोई इस तरह बात करे तो तुझे कैसा लगेगा? माँ जी, मुझसे कोई इस तरह बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इस तरह इतनी काली और बदसूरत नहीं हूँ। मैं तो काफी सुंदर हूँ और सुंदर लोगों से सब अच्छे से ही बात करते हैं। ना जाने मैंने ऐसे क्या पाप किए थे जो मुझे इतनी काली देवरानी मिली है, रोज सुबह सुबह इसकी शक्ल देखनी पड़ती है। रीना, हर वक्त इंसान की बाहरी खूबसूरती मायने नहीं रखती है, उसकी अंदरूनी खूबसूरती भी मायने रखती है। माँ जी, अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए, मुझे आपके इस ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, समझी आप? इतना कहकर रीना वहां से चली जाती है। रीना जहाँ दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और गोरी होती है, वहीं गायत्री दिखने में काफी काली होती है। गायत्री के काले रंग की वजह से रीना गायत्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन रीना और गायत्री की सास रानी अपनी दोनों बहुओं में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती थी। जब भी रीना गायत्री को उसके रंग के लिए ताने देती तो रानी हमेशा रीना को ही डांटती। गायत्री की शादी के बाद रीना ने अब घर के सारे कामकाज करने बंद कर दिए थे, जिससे घर के कामकाज की जिम्मेदारी बेचारी गायत्री पर ही आ जाती है। वाह रे वाह महारानी, मैं तुझे कब से आवाज दे रही हूँ और तू यहाँ बैठकर आराम से टीवी देख रही है। तुझे पता नहीं ये टाइम मेरी ब्लैक कॉफी का है, जाकर मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना कर ला। भाभी बस थोड़ी देर और, 15 अगस्त आने वाला है ना, तो उसी की तैयारी चल रही है। न्यूज में हर जगह 15 अगस्त के बारे में ही बताया जा रहा है। आपको पता है, बचपन में हर 15 अगस्त के दिन मैं अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाया करती थी, और हमारे स्कूल में भी 15 अगस्त पर हमेशा फंक्शन हुआ करते थे जिसमें हम सभी पार्टिसिपेट करते थे। तेरी ये बकवास सुनने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तुझे तेरा 15 अगस्त मुबारक हो, लेकिन मुझे 15 अगस्त में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अरे कौन बेवकूफ होगा जो इस दिन धूप में खड़े खड़े पतंग उड़ाएगा? पता नहीं हमारे देश में भी कैसी कैसी चीजें बनाई जाती हैं। भाभी आप क्या कह रही हैं? आप जानती नहीं, 15 अगस्त हम हर एक हिंदुस्तानी के लिए कितना जरूरी है। इसी दिन हमारा देश अंग्रेजों के शासन से आजाद हुआ था, इसी दिन हमारे देश को आजादी मिली थी। ये स्वतंत्रता दिवस हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। ओफो, अपना भाषण अपने पास रखो, मैं यहाँ तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं आई हूँ। हमारे देश ने हमारे लिए क्या ही किया है, यहाँ तो कोई ढंग से डेवलपमेंट भी नहीं हुई है। तुमने बाहर के देश देखे, ऐसा लगता है कि हम 2023 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहे हैं। देश है लंदन, USA, ब्रिटेन जैसे, ना कि भारत जैसे। मेरा बस चले तो मैं हमेशा हमेशा के लिए किसी विदेश में जाकर बस जाऊं। भाभी ऐसा नहीं है, हमारा देश बाकी देशों से बहुत ज्यादा अच्छा है। आप कभी हमारे देश के इतिहास की किताब उठाकर पढ़िए तो आपको पता चलेगा हमारा देश कितना महान है। बस बहुत हो गया, मुझे तेरी बकवास और नहीं सुननी। ये टीवी बंद कर और मेरे लिए ब्लैक कॉफी बनाकर ला, वरना तेरी ये सारी देशभक्ति मैं 2 मिनट में निकाल दूंगी। रीना की बात सुनकर गायत्री को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। गायत्री एक सच्ची देशभक्त होती है जो अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वही रीना को अपना ही देश पसंद नहीं था। रीना को अपने ही देश की बुराई करता देख गायत्री को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो रीना से कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। 15 अगस्त को अब सिर्फ कुछ ही दिन रह जाते हैं, जिसकी वजह से गायत्री 15 अगस्त की तैयारी करने में जुट जाती है। ये क्या, ये घर में इतने सारे गुब्बारे फुला कर किसने रख दिए हैं, और ये सारे ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट क्यों हैं? भाभी ये सारे गुब्बारे मैंने फुलाए हैं, 15 अगस्त आने वाला है ना, उसी की तैयारी के लिए मैं 15 अगस्त के लिए पूरा घर सजाऊंगी। और देखिए भाभी, मैं कितनी सारी पतंग भी लेकर आई हूँ, हम इन पतंगों को 15 अगस्त के दिन खूब उड़ाएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। गायत्री तुम क्या पागल हो गई हो, जो हमारे इतने अच्छे खासे घर को इन बेकार गुब्बारों से सजाओगी, वो भी इन कलर्स के गुब्बारों से? तुम्हें कोई और कलर नहीं मिला क्या? और ये क्या बेवकूफी है, कौन पागल होगा जो इतनी गर्मी में धूप में पतंग उड़ाएगा? मुझे धूप में पतंग उड़ाकर तुम्हारी तरह काला नहीं होना है। अगर तुम्हें शौक है तो उड़ा लेना,
और वैसे भी तुम चाहे धूप में पतंग उड़ाओ या छांव में, इससे तुम्हारे रंग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम तो वैसे भी काली ही हो। भाभी, ये कोई ऐसा वैसा रंग नहीं है, ये हमारे देश के तिरंगे का रंग है। आजाद होने की खुशी में हर कोई 15 अगस्त के दिन आजादी से पतंग उड़ाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा इतना सुंदर घर इन बेकार के गुब्बारों से सजे, वो भी इतनी बेकार रंग के गुब्बारों से। इतना कहकर रीना एक एक करके सारे गुब्बारों को फोड़ देती है। गायत्री रीना का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रीना नहीं रुकती और देखते ही देखते सारे गुब्बारे को फोड़ देती है। ये सब देखकर गायत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इससे रीना को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। अब 15 अगस्त के लिए सिर्फ एक ही दिन रह जाता है। गायत्री 15 अगस्त के दिन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, इसलिए वो जाकर बहुत सारे तिरंगे लेकर तिरंगे से अपने पूरे घर को सजा देती है और एक बड़े तिरंगे को ले जाकर अपने आंगन में लगाती है कि तभी वहां रीना आ जाती है। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना, मैंने कहा था ना मुझे मेरे घर में ये सब कुछ नहीं पसंद है। हटाओ इन झंडों को यहां से। रीना बहू, ये तू क्या कह रही है? तू जानती भी है हमारे देश की शान तिरंगे के बारे में कह रही है? तुझे शर्म नहीं आती अपने ही देश के झंडे के बारे में ये सब बोलते हुए? माँ जी, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, ये तो सब टाइम वेस्ट की सारी चीजें हैं। देखो तो सरा इन झंडों से हमारा घर कितना फनी लग रहा है, इन झंडों को जल्दी से हटा दीजिए। इतना कहकर रीना सारे झंडों को उठाकर फेंकने लगती है। झंडों को जमीन पर गिरा देख गायत्री के सब्र का बांध टूट जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। आपको शर्म नहीं आती? हम जिस देश में रह रहे हैं उसी देश की बुराई कर रही हो। आपको पता भी है हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए कितने वीरों ने अपने आप को शहीद कर दिया? लेकिन आप क्या जानो इस बारे में, आपको तो बस विदेश की पड़ी है। आपको सिर्फ ये दिखता है कि विदेश कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन आपको ये नहीं दिखता कि हमारे देश ने हम सब के लिए कितना सब कुछ किया है। आपको जितनी आजादी हमारे देश में मिल रही है, शायद इतनी आजादी किसी और देश में ना मिले। हर देश में ऐसे ऐसे कानून हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकती हो। कभी इसके बारे में आप जानना, तब आपको पता चलेगा। और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप तिरंगे का अपमान करो? इस तिरंगे के लिए लोगों ने क्या क्या किया है आपको क्या ही पता। अगर आपको हमारे देश से इतनी परेशानी है तो अभी के अभी यहां से चली जाओ। आपको जो आजादी मिल रही है वो हमारे देश की वजह से ही मिल रही है। आप जैसे लोगों को यहां रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, समझी आप? गायत्री की बात सुनकर रीना को एहसास हो जाता है कि उसने अपने देश और तिरंगे का अपमान करके बहुत बुरा किया। इसलिए रीना अब गायत्री से माफी मांगती है। गायत्री, मुझे माफ कर दो, मुझे हमारे देश और तिरंगे का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी सारी बातें समझ चुकी हूँ। अब मैं दोबारा कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी और मैं एक सच्ची देशभक्त बनूंगी। रीना को अपनी गलती का एहसास होता देख गायत्री उसे माफ कर देती है, जिसके बाद अब रीना गायत्री मिलकर एक साथ 15 अगस्त बनाती हैं और एक साथ तिरंगा फहराती हैं। मुबारक हो, आपकी बहू को बेटा हुआ है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बहू कैसी है? ठीक तो है ना? जी, आप दोनों जाकर उनसे मिल सकते हैं। वैष्णवी, देखो हमारा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। मैं इसे अपनी तरह एक फौजी बनाऊंगा, ये भी मेरी तरह हमारे देश की रक्षा करेगा। हाँ बाबा, बना लियो मेरे पोते को अपनी तरह एक फौजी, लेकिन अभी तो ये छोटा है, अभी तो इसकी खेलने कूदने की उम्र है। सरला की बात सुनकर जमशेद और वैष्णवी हंसने लगते हैं। जमशेद एक फौजी होता है जो सरहद पर देश की रक्षा करता है। बच्चे की होने की खुशी में सारा परिवार बहुत खुश होता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों में जमशेद के पास बॉर्डर से कॉल आ जाता है, जिस वजह से जमशेद को बॉर्डर पर जाना पड़ता है। आप अभी तो आए थे और अभी जा रहे हैं, मुझे और मुन्ने को आपकी जरूरत है, प्लीज रुक जाइए। वैष्णवी, मैं एक फौजी हूँ, परिवार वालों से ज्यादा देश को मेरी जरूरत है। मेरी तरह और भी वहाँ कई फौजी हैं जो अपने परिवार वालों को छोड़कर देश की रक्षा कर रहे हैं, तो मैं कैसे उनका साथ छोड़ दूं? मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं जल्दी वापस आऊंगा, अपना, माँ और मुन्ने का ध्यान रखना। इतना कहकर जमशेद अपने परिवार वालों से विदा लेकर बॉर्डर पर जंग लड़ने के लिए चला जाता है।
जमशेद को जाता देख वैष्णवी और सरला की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो भी इन सारी चीजों को समझते थे, इसलिए वो आगे कुछ नहीं कहते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है। बॉर्डर पर जंग छिड़ने की वजह से कई फौजी जंग में शहीद हो जाते हैं। बहू, तूने न्यूज़ देखी? बॉर्डर पर अभी तक जंग चल रही है। भगवान करे सब ठीक हो। जी माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। न जाने कितने फौजी देश के लिए शहीद हो गए हैं। सरला और वैष्णवी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। वैष्णवी और सरला जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने दो आर्मी ऑफिसर होते हैं। क्या आप ही हैं वैष्णवी, फौजी जमशेद की पत्नी? जी, लेकिन आप लोग कौन हैं और मेरे पति जमशेद कहाँ हैं? हम फौजी जमशेद के सीनियर आर्मी ऑफिसर हैं। बॉर्डर पर जो जंग चल रही है उसमें कई सैकड़ों फौजी शहीद हो गए। उन्हीं फौजियों में से जमशेद भी हैं, जो देश की रक्षा करते हुए देश के लिए शहीद हो गए। ऑफिसर की बात सुनते ही वैष्णवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपने पति और बेटे को खोने के गम में सरला और वैष्णवी बहुत रोते हैं। जमशेद के अंतिम संस्कार के बाद जब दोनों घर आते हैं, वैष्णवी, जमशेद देश की रक्षा करते हुए देश के लिए शहीद हुआ है। हमें इस बात का मातम नहीं बनाना चाहिए, हमें तो गर्व होना चाहिए जमशेद की बहादुरी पर। माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उनका सपना था कि हमारा बेटा एक फौजी बने, और मैं उनके इस सपने को जरूर पूरा करूंगी। ये सब कहते हुए सरला और वैष्णवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो जानते थे कि उन्हें जिंदगी तो जीनी ही होगी, इसलिए अब वो धीरे धीरे पहले की तरह अपनी जिंदगी जीना शुरू करते हैं। जमशेद के जाने के बाद कुछ महीने तो सरला और वैष्णवी के ठीक ठाक दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनके घर में पैसों की कमी होने लगती है। ये क्या, घर खर्च के लिए तो सिर्फ ये 500 रुपए ही बचे हैं। अब इसमें राशन लाएंगे, किराया देंगे या दूध वाले को देंगे? माँ जी, क्यों ना मैं कहीं पर काम करना शुरू कर दूँ? नहीं बहू, मुन्ना अभी छोटा है, उसे तेरी जरूरत है। तू काम करते हुए उसे कैसे संभालेगी? एक काम करती हूँ, मैं ही काम ढूंढ लेती हूँ कहीं। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इस उम्र में आप काम करेंगी? उसके अलावा हम और कर ही क्या सकते हैं? कहीं ना कहीं काम तो करना पड़ेगा, वरना ये घर कैसे चलेगा? सरला कई जगह पर काम ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन बूढ़े होने की वजह से सरला को कोई भी काम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे ये परेशानी एक बड़ी परेशानी का रूप ले लेती है, जिसके कारण अब घर में राशन की कमी भी होना शुरू हो जाती है। ये क्या, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है और सारा राशन भी खत्म हो गया है। अगर मैंने कुछ खाया नहीं तो मैं मुन्ने को दूध कैसे पिलाऊंगी? क्या हुआ बहू, इतनी परेशान क्यों दिख रही है? घर में राशन खत्म हो गया है, अब मैं क्या खाऊंगी? बिना खाए तो मुन्ने को दूध भी नहीं पिला सकती। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, वरना मैं तेरे खाने के लिए कुछ ले आती। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मैं किराने की दुकान पर जाकर थोड़ा बहुत राशन उधार लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वैष्णवी राशन लाने के लिए किराने की दुकान पर चली जाती है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से किराने वाला वैष्णवी को राशन देने से मना कर देता है। तुम लोगों पर 3 महीने का उधार चढ़ा हुआ है, अब जब तक तुम लोग मेरे पैसे वापस नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें राशन का एक दाना भी नहीं दूंगा। आप तो हमारे घर की हालातों के बारे में जानते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मुन्ने ने सुबह से दूध नहीं पिया है, आप खुद देखिए इसकी हालत कैसी हो रही है। बस कुछ और दिन, फिर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। भगवान के लिए रहम कीजिए हम पर। तुम लोगों का ये रोज रोज का नाटक हो चुका है। इस बार मैं राशन दे रहा हूँ, लेकिन आइंदा बिना पैसे लिए मेरी दुकान पर मत आ जाना। किराने वाला खरी खोटी सुनाकर वैष्णवी को आधे किलो चावल और 1 किलो दाल दे देता है, जिसके बाद वैष्णवी उसे लेकर घर आ जाती है कि तभी वैष्णवी को रास्ते में एक बच्ची दिखती है जो रो रही होती है। बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम देवी है। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए भूख की वजह से रोना आ रहा है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अनाथ हूँ। वैष्णवी को उस देवी पर तरस आ जाता है।
जिसके बाद वैष्णवी देवी को अपने घर ले आती है और दाल चावल बनाकर उसे अपने हाथों से खिलाती है। अब देवी वैष्णवी के साथ ही रहती है। वैष्णवी देवी का बिल्कुल एक माँ की तरह ख्याल रखती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। अब दुकान से लाया हुआ राशन भी खत्म हो जाता है, जिससे सरला और वैष्णवी को बहुत परेशानी होती है। पैसे ना होने की वजह से मकान मालिक भी रोज रोज आकर वैष्णवी और सरला को किराए के लिए सुनाया करता था। अब वैष्णवी और सरला से ये गरीबी और बेइज्जती झेली नहीं जा रही थी, जिस वजह से अब वैष्णवी और सरला आत्महत्या करने का सोचते हैं। बहुत हो गया, ऐसे रोज रोज घुटके मरने से अच्छा है कि हम एक बार में ही मर जाएं। ये ले बहू, इसके अंदर मैंने जहर मिला दिया है, खुद भी पी जा और मुझे भी पिला दे। सरला और वैष्णवी रोते हुए वो जहर पीने वाले होते हैं कि तभी वहां देवी आ जाती है। देखते ही देखते देवी एक भारत माता का रूप ले लेती है, जिसे देखकर सरला और वैष्णवी बहुत हैरान होते हैं। रुक जाओ वैष्णवी और सरला, तुम्हें कायरों की तरह जहर पीने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति और बेटे जमशेद ने हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को शहीद कर दिया। इतने बहादुर पति की पत्नी और बेटे की माँ होकर तुम दोनों कायरों की तरह जहर पी रही हो। आप तो जानती हैं ना हमारे घर के क्या हालात हैं। हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो मेरे देश की रक्षा करता है, मैं भी उसकी रक्षा करती हूँ। इसलिए मैं बच्ची का रूप लेकर तुम्हारे पास आई। पैसे ना होने पर भी तुमने मेरा एक माँ की तरह ख्याल रखा। और मैं तो इस देश की माँ हूँ, और एक माँ अपने बच्चों को कभी भी किसी परेशानी में नहीं देख सकती है। आज के बाद तुम्हारे घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। भारत माता के इतना कहते ही उनके चरणों में से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलते हैं, जिसे देखकर सरला और वैष्णवी बहुत खुश होती हैं। जिसके बाद भारत माता वहां से चली जाती हैं। अब सरला और वैष्णवी उन सोने के सिक्कों को बेचकर उससे मिलने वाले पैसों की मदद से अपनी सारी परेशानियों को दूर करती हैं और एक सुखी जीवन जीती हैं। अपने पति और बेटे के सपने को पूरा करने के लिए सरला और वैष्णवी अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक आर्मी ऑफिसर बनाती हैं, जो अपने पिता जमशेद की तरह ही देश की रक्षा करता है।